मैं फोर्थ चैप्टर जो है उसको हमने देख लिया था, अब हमने फिफ्थ चैप्टर की तरफ मूव करना है। एक सेकेंड, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा वो बेसिकली रिलेटेड है सिंक्रोनस जनरेटर्स से। अभी तक हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर ये देखा था कि एसी मशीनरी फंडामेंटल्स क्या है, बेसिकली हाउ द टॉर्क इज इंड्यूस्ड और हाउ द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड और व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच वी आर यूजिंग आवर कॉइल्स एंड आर मेजर वाइंडिंग एज वेल एज आर फील्ड वाइंडिंग। ये चीजें हमने किस तरह यूज की, अगर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की एज कम्पेयर टू डीसी मशीन तो हमने क्यों चेंज की, उसकी रीजन क्या थी वो हमने डिस्कस की। और उसके अलावा फिर पावर फ्लो वॉज प्रिटी सिमिलर टू डीसी। उसके अलावा लॉसेस किस तरह के हैं, कॉपर लॉसेस में एक डिफरेंस देखा हमने, वो डिफरेंस क्यों है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके केस में भी वही कॉन्सेप्ट है। स्पीड रेगुलेशन इन केस ऑफ मोटर्स, एसी मोटर्स, वो भी वही केस है जैसे बाकियों के अंदर होता है। तो ये हमारी फंडामेंटल्स थी। उसके बाद अब हम मूव करेंगे टुवर्ड मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन, और इसके अंदर हम बेसिकली मूव करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर की तरफ। तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर बेसिकली है क्या, इंट्रोडक्शन के अंदर फिर दोबारा वही है, स्टेटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है। हमें पता है कि स्टेटर क्या चीज है, रोटर क्या चीज है। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है, रोटर जो है वो पार्ट है जो मूव करता है। उसके अलावा जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है, ये अब आपने हमेशा याद रखना है कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसी मशीन्स एंड डीसी मशीन्स इज दैट इन डीसी मशीन्स द आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन द रोटर वाइल फील्ड वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर। और जब हम एसी मशीन्स की बात करेंगे तो एसी मशीन्स के अंदर द फील्ड वाइंडिंग व्हिच प्रोड्यूसेस द मेन मैग्नेटिक फील्ड इन एसी मशीन्स इट इज लोकेटेड ऑन द रोटर द रोटेटिंग पार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। एंड सिमिलरली द आर्मेचर वाइंडिंग वेयर द मेन वोल्टेज इज इंड्यूस्ड और वेयर यू सप्लाई करंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसी मोटर, तो दैट वाइंडिंग इज लोकेटेड ऑन द स्टेटर व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वी स्टडीड इन द फोर्थ चैप्टर। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट है, काम इसका वही है। फील्ड वाइंडिंग का काम है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाना और आर्मेचर वाइंडिंग का काम है आपके लोड को उठाना। अब वो लोड अगर जनरेटर है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड होगा, अगर वो मोटर है तो वो इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल लोड होगा। तो हमने देखा था कि दो मेजर टाइप्स हैं, सिंक्रोनस मशीन्स हैं, इंडक्शन मशीन्स हैं। और सिंक्रोनस मशीन्स जो है वो ऐसी मशीन्स हैं जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सेपरेट डीसी सोर्स से सप्लाई की जाती है। अब हमें पता है कि एसी मशीन्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड वाइंडिंग है, वो रोटर के ऊपर है, रोटेटिंग पार्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो सप्लाई करे उस वाइंडिंग को जो रोटर के अंदर लगी हुई है। और मैंने आपको ये बोला था कि 90% ऑफ द जनरेटर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑल ऑफ देम आर सिंक्रोनस मशीन। सिमिलरली इंडक्शन मशीन की तरफ अगर आप आए तो उसके अंदर जो फील्ड करंट है, फील्ड करंट वंस अगेन कौन सा करंट है जो रोटेटिंग पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, इट इज सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना। उसके अंदर जो करंट आएगा वो इंडक्शन फिनोमिना से आएगा, इंडक्शन फिनोमिना ट्रांसफार्मर एक्शन की तरह। इस तरह से इसकी तरह की जो मशीन होती है इंडक्शन मशीन, इसको हम अमूमन रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह होती है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर एक रोटेटिंग पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर रोटेटिंग पार्ट कोई नहीं होता। वो कैसे, वो हम इंडक्शन मशीन्स के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन बताने की बात यह है कि 90% ऑफ द टुडेज मोटर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड एज वेल एज इन आवर हाउसहोल्ड्स दे आर 90% ऑफ देम आर इंडक्शन मशीन्स। हम जनरेटर की जब बात करेंगे तो 90% या ओवर 90% जो है वो सिंक्रोनस होंगे, सिंक्रोनस जनरेटर्स, जिसको हम ऑल्टरनेटर्स भी बोलते हैं। अब याद रखिएगा ऑल्टरनेटर्स जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम है। हर किस्म का जो जनरेटर है उसको आप ऑल्टरनेटर नहीं बोलते, सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसका सेकेंड नेम ऑल्टरनेटर है। और जब आप मोटर्स की बात करेंगे तो 90% ऑफ द मोटर्स जो है वो इंडक्शन मोटर्स होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर की कंस्ट्रक्शन क्या है।
ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर वो कहता है कि एक चीज तो मेन हमें पता है कि एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा, रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी, स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होगी। यहाँ तक हम फोर्थ चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर आर सिंक्रोनस मशीन यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर। ऑब्वियसली जनरेटर है। इन जनरेटर एडीसी करंट इज सप्लाई टू द रोटर वाइंडिंग। अब हमें पता है कि हमने रोटर के ऊपर रोटेटिंग पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाना है, सिंक्रोनस मशीन है। अब वो जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स है उसने डीसी सप्लाई करनी है टू द रोटेटिंग पार्ट, सो दैट वो जो फील्ड वाइंडिंग आपकी रोटर वाइंडिंग रोटर के ऊपर पड़ी हुई है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके। ठीक हो गया। तो डीसी करंट इज सप्लाई टू द रोटर वाइंडिंग विच प्रोड्यूसेस रोटर मैग्नेटिक फील्ड। द रोटर इज देन रोटेटेड बाय प्राइम मूवर। आप प्राइम मूवर, मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी शाफ्ट जिसको आप घुमाते हैं उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। वो प्राइम मूवर जो है वो ड्राइव करता है, या डीजल इंजन, या स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, वाटर टर्बाइन, वट एवर इज योर सोर्स ऑफ मैकेनिकल इनपुट, वो उसको प्राइम मूवर को ड्राइव करेगा, प्रोड्यूसिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मशीन। जब वो घूमेगा तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कट करेगी किसको, स्टेटर पर पड़े हुए तीन कॉयल्स को जो 120 डिग्रीज अपार्ट है। उसके जब वो उसको कट करेगी तो उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा जो 120 डिग्रीज के फेज डिफरेंस के साथ होगा। ये वही बात जो हम फोर्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक रफ सी कंस्ट्रक्शन है उसकी। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि रोटर जो है उसको हमने डीसी करंट देना है। अब वो क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है उसको डीसी करंट देना है, बेशक एज कम्पेयर टू आर मेचर, एज कम्पेयर टू द करंट दैट वी आर ड्रॉइंग फॉर आर मेचर, एज कम्पेयर टू द करंट विच इज ड्राइविंग आवर लोड, वो बहुत कम होगा, लेकिन स्टिल हमने कांटेक्ट मेंटेन करना है, हमने सप्लाई देनी है रोटर को डीसी की, ताकि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक्साइट हो सके और हमारा फ्लक्स जो है वो जनरेट हो सके। तो रोटर बेसिकली वो कहता है इज एसेंशियली अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमारे पास इसका एक फिनोमिना है। अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास तीन कॉयल्स हैं, ठीक है, एक ये कॉयल, एक ये कॉयल, एक ये कॉयल, ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्रीज अपार्ट पड़ी हुई है। दरमियान में ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली रोटर प्रोड्यूस कर रहा है, और रोटर जो है उसमें से डीसी पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी उसके नॉर्थ और साउथ कांस्टेंट होंगे। ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि हम उस पूरे रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर घुमा रहे हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इसमें जनरेट हो रहा है, एक इसमें जनरेट हो रहा है, एक इसमें जनरेट हो रहा है, और ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं वो ईएमएफ जो है वो एक दूसरे से 120 डिग्रीज के फेज डिफरेंस के ऊपर है। और वो किस तरह से है उसको हम दो तीन दफा पहले देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टाइप ऑफ कनेक्शन है इसको हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। अगर आप यहाँ से आउटपुट लेंगे, अगर आप इधर से आउटपुट लेंगे तो आप बोलेंगे कि ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए। तो ये हमारे पास स्टेटर आ गया। अभी आ जाते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। दो पार्ट्स हैं, तो रोटर जो है वो एक मेन पार्ट है इसके अंदर जिसके साथ हमारी ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी रोटर जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डीसी मशीन्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास सैलियंट पोल्स रोटर होते हैं, और एक जो दूसरे होते हैं उनको हम नॉन सैलियंट पोल बोलते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि सैलियंट पोल्स का मतलब ये है कि ऐसे पोल जो स्टिक आउट करते हैं, प्रोट्रूडिंग और स्टिकिंग आउट ऑफ द सर्फेस, ये जैसे ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये जो पोल है क्योंकि ये अगर इसकी सरफेस है तो ये पोल स्टिक आउट कर रहा है, ये बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, ये एक फोर पोल रोटर है जिसके अंदर नॉर्थ साउथ हो सकता है। ठीक हो गया। और सेकेंड टाइप जो है वो नॉन सैलियंट है। नॉन सैलियंट में क्या होता है कि आपकी स्टिकिंग आउट पार्ट नहीं होता। आखिर ये दो टाइप्स हमने क्यों बनाई हुई है, इसका इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो सेलियंट पोल मोटर होगा वो बनाना रोटर होगा, उसका पोल बनाना आसान होगा क्योंकि इस पोल के ऊपर हम वाइंडिंग कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके दरमियान में भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो इसके रोटेट करने से एयर की फ्रिक्शन जो वाइंडेज लॉसेस होते थे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके दरमियान में कोई भी बाहर निकली हुई स्टिकिंग आउट चीज नहीं है। स्टिकिंग आउट चीज नहीं है तो एयर की जो रेजिस्टेंस है इसको वो उतनी फेस करने को नहीं मिलेगी जितनी इसको मिलेगी। लेकिन इसके पोल्स बनाना उतना ही मुश्किल है क्योंकि कोई स्टिकिंग आउट पार्ट नहीं है, तो जो सेपरेशन है पोल की वो उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ज्यादातर नॉन सेलियंट पोल्स यूज होते हैं, लेकिन
उन जगहों पे जहाँ पे टू या फोर पोल रोटर्स हो, इससे ज्यादा पोल की सेपरेशन हम नॉन सेलियंट के केस में नहीं कर सकते। एक तो ये डिफिकल्ट है बनाने में, कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, ले, और दूसरी बात ये कि इसके जो नंबर ऑफ पोल्स जो बाय यूजिंग नॉन सेलियंट मशीन रोटर्स हम बना सकते हैं वो कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसके जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो हम ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि स्टिकिंग आउट पार्ट है, जितने मर्जी हम बाहर छोटा करके ज्यादा पार्ट्स बाहर स्टिक आउट कर दें और उनके ऊपर वाइंडिंग कर दें, तो नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हम यहाँ पे ज्यादा बना सकते हैं। तो रोटर इस सब दूसरी बात ये थी कि हमने हमेशा बात की थी कि रोटर जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको उसकी वेसिनिटी के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज होगी ही, और उसके अलावा जब वो कट करेगी आपके थ्री फेज जो वाइंडिंग्स हैं जो स्टेटर के ऊपर पड़ी हुई हैं और उसमें से करंट ड्रॉ होगा, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑब्वियसली रोटेटिंग होगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको कट करेगी और इसके अंदर एडी करंट्स और हिस्टैरिसीस लॉसेस पैदा हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए जो रोटर की कोर है वो कहता है कि हम उसको थिन लेमिनेशंस लेमिनेटेड शीट्स के साथ बनाते हैं ताकि एडी करंट्स लॉसेस जो है वो हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये एक और फिगर है देखने के लिए कि ये आपके पास एक सैलियंट पोल मशीन है जिसके अंदर आपके पास देखो कोई स्टिकिंग आउट पार्ट नहीं है, एक ये नॉर्थ है और इसके अपोजिट एक साउथ पोल होगा, ये जैसे इधर इधर मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सिक्स पोल रोटर है। अब फोर पोल से ऊपर जब भी जाओगे तो आपको सैलियंट पोल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, नॉन सैलियंट से काम नहीं चल सकता। तो ये सिक्स पोल है, इसमें अगर आप देखो तो आपके पास ये स्टिकिंग आउट पार्ट्स जो हैं वो निकले हुए हैं, और जो स्टिकिंग आउट हैं वो पोल्स हैं। जैसे ये साउथ है तो ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है ये उसका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली रोटर के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है प्रोडक्शन या आपके जो पोल्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ गई। अभी जो एक मेन प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको जैसे बताया कि हमें एक वोल्टेज सोर्स को अटैच करना है, रोटर रोटेटिंग पार्ट है और रोटेटिंग पार्ट है तो उसके ऊपर एक वाइंडिंग है जिसको हमने एक्साइट करना है डीसी से। अगर हम एक्साइट करेंगे तो फिर ही हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। सॉरी, अच्छा, अगर हम एक्साइट करेंगे तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और फिर हम उसको घुमाएंगे तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब एक्साइट करने के लिए हमने उसको डीसी करंट देना है, और उसको देने के लिए हमें कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा एक रोटेटिंग चीज का, एक स्टेशनरी चीज के साथ, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास उसको एक्साइट करने के लिए, उसको करंट देने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं कि या तो हम एक स्पेशल डीसी सोर्स लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटरी हम ले लें और वो बैटरी हम अटैच कर दें अपनी फील्ड वाइंडिंग के साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर उस बैटरी को हम बाहर रखते हैं तो फिर वो स्लिप रिंग्स के साथ अटैच करने पड़ेंगे, हमें स्लिप रिंग्स लगाने पड़ेंगे, उसके साथ ब्रशेस लगाने पड़ेंगे ताकि एक मूविंग कांटेक्ट जो है उसको मेंटेन कर सके। और इस केस में क्योंकि स्प्लिट रिंग्स नहीं है तो दो स्लिप रिंग्स लगेंगे, एक एक टर्मिनल के साथ अटैच होगा और दूसरा स्लिप रिंग दूसरे टर्मिनल के साथ, उन दोनों के साथ दो ब्रशेस लगे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वो बाहर निकल के बैटरी के साथ लगेगा। जो एक दूसरी हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम उस बैटरी को उठा के रोटर के ऊपर ही फिक्स कर दें। उससे क्या होगा कि जब आप रोटर मूव करोगे तो बैटरी बैटरी भी साथ ही मूव कर रही है, तो आपको कोई भी चीज बाहर नहीं पड़ी हुई, तो आपको ब्रशेज या स्ट्रिपलिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल इस तरह से दी है कि मैंने सोर्स आपको मेंशन कर दिया कि बैटरी को या तो हमने बाहर रखा हुआ था या फिर बैटरी को उठा के हमने रोटर के ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बैटरी को तो हम रोटर के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो जो ऑप्शन है वो ये है कि एक तो एक्सटर्नल सोर्स हो और थ्रू ब्रशेज हम उसको डीसी करंट प्रोवाइड करें, और दूसरा ये है कि हम सोर्स को ही रोटर के ऊपर शिफ्ट कर दें। वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो सप्लाई द डीसी फ्रॉम अ स्पेशल डीसी सोर्स माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, और सप्लाई द डीसी पावर फ्रॉम एक्सटर्नल डीसी सोर्स, सिंस द रोटर इज रोटेटिंग अ स्पेशल अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट द डीसी पावर टू इट्स फील्ड वाइंडिंग व्हिच इज अकॉम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस।
अब स्लिप रिंग्स आर मेटल रिंग्स कॉमनली इनसर्कलिंग द शाफ्ट ऑफ द मशीन बट इंसुलेटेड फ्रॉम इट, ये आपको पता है. वन एंड ऑफ द डीसी रोटर वाइंडिंग इज टाइड टू ईच ऑफ द टू स्लिप रिंग्स. मैंने आपको बोला था दो स्लिप रिंग्स होंगे, एक के साथ एक टर्मिनल, दूसरे के साथ दूसरा टर्मिनल अटैच होगा. और द ब्रश इज अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट लाइक कार्बन कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली बट हैज अ वेरी लो फ्रिक्शन सो इट डज नॉट वेयर डाउन द स्लिप रिंग. तो ये हमारे पास उसकी एक डिपिक्शन है जो अभी हमने बात की. इसके अंदर अगर आप देखो तो ये आपके पास बेसिकली जनरेटर है, ये रोटर है, रोटर के अंदर आपके पास वाइंडिंग होगी ऑब्वियसली. ये वाइंडिंग का एक टर्मिनल आया इस स्लिप रिंग के साथ, वाइंडिंग का दूसरा आया इसके साथ, ठीक हो गया. ये स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर आपकी थ्री फेज कॉइल पड़ी हुई है, इसको आपने डीसी देना है. ये ब्रशेज के थ्रू आपने इसके साथ कॉन्टेक्ट मेंटेन किया और यहाँ पे इसने एसी इन लेके उसको थायरिस्टर के जरिए या रेक्टिफायर के जरिए डीसी में कन्वर्ट किया, इसलिए फिल्टर भी यूज किया. आप फर्ज कर लो कि यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो इसको एक्साइट कर रही है, ठीक हो गया. यहाँ तक बात समझ आती है, ये प्रिटी सिंपल है, इसमें इतना प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलना चाहिए. अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर ऑफिशियली देखो, ऑफिशियली कह रहा हूँ प्रैक्टिकली देखो, तो इसके अंदर क्या है, ये एक प्रैक्टिकल रोटर है. इसमें अगर आप देखो तो आपको एक पोल ये नजर आ रहा है, एक वाइंडिंग, ये स्टिकिंग आउट पोल्स है ऑब्वियसली. तो ये कौन से पोल्स होंगे, ये सैलियंट पोल्स होंगे. ये स्टिक आउट हुआ हुआ है, ये स्टिक आउट हुआ हुआ है, ये स्टिक आउट हुआ हुआ है, एक इसके अपोजिट होगा. तो ये आपके पास चार पोल्स हैं और इसकी जो वाइंडिंग होगी वो इन स्लिप रिंग्स के साथ अटैच होगी. उसके अलावा ये फैन लगा हुआ है कि जब ये मूव करे तो ये फैन भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा जो इस वाइंडिंग को जो है वो कूल डाउन करेगा. ये हमारी डीसी एक्साइटेशन वाइंडिंग है. अब इन ऑर्डर टू लुक एट दी स्लिप रिंग्स अ लिटिल बिट क्लोजर हम ये देख लेते हैं. ये स्लिप रिंग्स हैं आपके पास, ये आपके पास रोटर है. अब ये एक्चुअल रोटर्स हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह आइडिया हो सके. तो ये आपके पास रोटर है, इसके ऊपर वाइंडिंग भी हुई है. वाइंडिंग अभी आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट जो है वो ऑब्वियसली इस एक स्लिप रिंग के साथ एक कॉन्टेक्ट और इसके साथ सेकेंड कॉन्टेक्ट, और इसके ऊपर ब्रश लगेगा जो स्लिप करेगा. ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ब्रश लगा हुआ है, ये ब्रश इसके साथ अटैच है, ये ब्रश इस स्लिप रिंग के साथ अटैच है. और इसके साथ अब हम यहाँ पे एक वायर निकाल के यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल अपनी मर्जी से लगा सकते हैं. तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग पार्ट के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो बाई यूजिंग स्लिप रिंग्स मेंटेन कर रहे हैं. ये थोड़ा और क्लोजली है कि ये आपके पास ब्रशेज हैं और ये आपके पास स्लिप रिंग्स हैं जो स्लिप कर रहे हैं. अभी प्रॉब्लम क्या है स्लिप रिंग के साथ, प्रॉब्लम वही है जो हमेशा हुआ करता है कि स्लिप रिंग्स जो है वो इंक्रीज करते हैं मेंटेनेंस को. सिंस द ब्रशेज मस्ट बी चेक्ड फॉर वेयर रेगुलरली एंड रिप्लेस्ड व्हेन नीडेड. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहां भी स्लिप रिंग लगा होगा उसको हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रशेज हैं वो वेयर ऑफ तो नहीं कर गए, हमारे जो स्लिप रिंग्स के ऊपर जो कॉपर लगी हुई है वो वेयर ऑफ तो नहीं कर रही, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज वेयर ऑफ करेगी तो कॉन्टेक्ट जो है वो उस तरह से मेंटेन नहीं होगा और हमारा ब्रशेज के लॉसेज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. और अगर नहीं भी होते उसके अलावा भी ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कैन कॉज सिग्निफिकेंट पावर लॉस ऑन द मशीन्स विद लार्जर फील्ड करंट. मैंने आपको बोला था कि ऑल्टरनेटर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं. फर्ज कर लेते हैं जो हाइड्रो जनरेटर, जिसकी एक पिक्चर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, वो भी ऑल्टरनेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है. तो अगर पावर प्लांट में लगा हुआ एक जनरेटर है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो फील्ड सर्किट है वो भी बहुत ज्यादा करंट ले रहा है. बेशक एज कम्पेयर टू आवर मेजर वाइंडिंग वो कम होगा, लेकिन क्योंकि वो 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट्स जनरेट कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके लिए उसको जो फ्लक्स चाहिए वो कितना ज्यादा होगा, ठीक हो गया. तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सिग्निफिकेंट पावर लॉस कर सकता है, लेकिन क्या है ये वो उन जगहों पे है जिन जगहों पे बहुत बड़े अल्टरनेटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे पावर प्लांट की एग्जांपल मैंने आपको दी. क्योंकि स्लिप रिंग्स जो हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, अगर आप स्मॉल स्केल के ऊपर आते हो, डोमेस्टिक स्केल के ऊपर आते हो, इवन यूनिवर्सिटी के जो जनरेटर्स हैं उन स्केल्स पे भी अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे ब्रशलेस एक्साइटर नहीं मिलेगा, आपको स्लिप रिंग्स वाले ही मिलेंगे मैक्सिमम. और रीजन उसके साथ ये दी जाती है और हमें जो पता है कि इकोनॉमिकली हमारे लिए वो फिजिबल है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हाई पावर अल्टरनेटर्स के ऊपर चले जाते हो तो उस जगह पे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बार बार प्लांट को शटडाउन करना आसान नहीं होता, प्लांट शटडाउन एक खास पीरियड के बाद ही होता है, तो हम उसको उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते. तो इस वजह से वहां पे हम बेसिकली ब्रशलेस एक्साइटर यूज करते हैं. ब्रश वाला एक्साइटर या स्लिप रिंग वाला एक्साइटर जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है. और कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑल द स्मॉलर सिंक्रोनस मशीन्स, बिकॉज नो अदर मेथड ऑफ सप्लाइंग द डीसी करंट इज डीसी फील्ड करंट इज कॉस्ट इफेक्टिव. अब लार्जर एसी मशीन्स के लिए जो ब्रशलेस एक्साइटर है वो किस तरह से काम करते हैं,
ब्रशलेस एक्साइटर में हमने आपको, मैंने आपको ये कहा था कि जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम सोर्स को एज इट इज उठा के ले आए और ला के रोटर के ऊपर माउंट कर दें। अब सोर्स को रोटर के ऊपर माउंट कैसे कर सकते हैं, इसका एक बहुत क्लेवर वे जो इजाद किया गया वो ये था कि हम एक डीसी जनरेटर विद इन एन एसी जनरेटर रख लेते हैं। उसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसको जो है वो डीसी करंट मिलना चाहिए। अब इसको डीसी करंट हम कैसे दे सकते हैं, जो सेकंड टाइप थी बगैर ब्रशेस के, उसमें हमने ये किया कि हमने इसी रोटर के साथ एक स्टेटर और अटैच कर दिया। इस स्टेटर में हमने क्या किया, इस स्टेटर को हमने डीसी जनरेटर वाला स्टेटर बनाया। डीसी जनरेटर में जो स्टेटर होता था वो क्या होता था कि स्टेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती थी और रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती थी। जो वोल्टेज इंड्यूस होता था, जो लोड सप्लाई करने वाली चीज होती थी, वो रोटर होती थी। अब रोटर जो है वो हमने उसी शाफ्ट के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जितनी तेजी से ये घूम रहा है उतनी तेजी से ये घूम रहा है, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली स्टेशनरी है। ये रोटर जो है हमने इसी रोटर के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन इस जगह पे हमने बजाय इसके कि फील्ड वाइंडिंग करते हैं, हमने इस जगह पे आर्मेचर वाइंडिंग की और स्टेटर के ऊपर एक नया स्टेटर बनाया और इस स्टेटर के ऊपर हमने फील्ड वाइंडिंग कर दी। अभी हुआ क्या कि हमने इसको डीसी प्रोवाइड किया, इसको डीसी प्रोवाइड किया तो इसने फ्लक्स पैदा किया, इसने फ्लक्स पैदा किया तो इसको हम मूव कर रहे थे, इसको मूव कर रहे थे। मूव करते हुए ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये ने इसने कट किया इसकी पैदा की गई फ्लक्स को, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डीसी जनरेटर के अंदर होता है। इसको कट किया तो इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हुई, वो जो वोल्टेज इंड्यूस हुई वो एसी होगी, क्योंकि डीसी जनरेटर्स के अंदर उस वोल्टेज इंड्यूस को हम कम्यूटेटर के जरिए कन्वर्ट किया करते थे डीसी के अंदर, लेकिन यहाँ हमें डीसी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसी रोटर के ऊपर ही एक रेक्टिफायर अटैच कर दिया। रेक्टिफायर तो एक छोटी सी चीज है ना डायोड के साथ, उसको तो हम अटैच कर सकते हैं। एक रेक्टिफायर अटैच कर दिया। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये प्रोड्यूस कर रही है सप्लाई, वो रेक्टिफायर के पास जा रही है, रेक्टिफायर उसे डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट करके वो उसको इधर दे रहा है। अब अगर आप देखो तो आपको फिजिकली कांटेक्ट कहीं मेंटेन नहीं करना पड़ा, लेकिन आपने अंदर सप्लाई दे दी। दी कैसे, बाय यूजिंग अ डीसी जनरेटर ये विद इन दिस सिंक्रोनस मेन जनरेटर। तो हमने क्या किया, ये एक एक्साइटर लगा दिया। ये एक्साइटर जो है ये एक डीसी जनरेटर है, जो इसका रोटर जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर मुश्तमिल है और ये रोटर जो है वो रेक्टिफाई करके मेन रोटर को, मेन फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे रहा है। अब ये सारा कुछ करने का मकसद हमारा ये था, प्रॉब्लम हमारी ये थी कि अगर हम पूरे का पूरा सोर्स अंदर लगा देते, जैसे मैंने बैटरी की बात की थी, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो रोटर को देता और वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स पैदा करता। लेकिन हमें याद होगा कि ईए को चेंज करने के लिए या वीटी को या उस वोल्टेज को जो हमें जनरेटर से मिल रहा है उसको चेंज करने के लिए जो एक मेन चीज हम यूज करते थे वो थी फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स को चेंज कर लेते थे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता था या कम हो जाता था। हमें पता है ना, जितना फ्लक्स ज्यादा होगा उतना ही ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो ज्यादा होगा। अगर हम बैटरी को एज इट इज इसके अंदर रख देते हैं तो क्या होगा कि वो एक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा और बाहर से इंटरवेंशन हम कर नहीं सकते, जनरेटर है पैक्ड है, तो हम किस तरह से उसके करंट को वेरी कर सकते हैं। यहाँ हम उस चीज को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ हम इसको फील्ड सर्किट को एक्सटर्नली स्टेशनरी पार्ट से करंट दे रहे हैं। अगर हम इस फील्ड सर्किट का जो वोल्टेज, सॉरी इस फील्ड सर्किट को जो करंट हम दे रहे हैं उसकी अमाउंट अगर हम कम कर दें तो फ्लक्स डाउन हो जाएगा इस एक्साइटर का। एक्साइटर का फ्लक्स डाउन होगा तो आर्मेचर वोल्टेज जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रही है वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा था। वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो वही वोल्टेज, वो वोल्टेज है जो रेक्टिफाई होकर इस तक जा रहा था, वो वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा। वो कम होगा तो ऑब्वियसली इसमें से गुजरने वाला करंट भी कम हो जाएगा। बेसिकली क्या है, बाय चेंजिंग द फील्ड करंट ऑफ दिस स्टेशनरी पार्ट वी आर चेंजिंग द फील्ड करंट ऑफ दिस रोटेटिंग पार्ट विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। तो बेसिकली क्या किया हमने, हमने एक कॉन्टेक्टलेस, एक ब्रशलेस एक्साइटर की एक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर ली, जिसके अंदर हमारा कांटेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हम अंदर वाले फील्ड करंट को
वेरी भी कर सकते हैं और अंदर वाली फील्ड वाइंडिंग को हम फील्ड करंट प्रोवाइड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये एक जो चीज है, ये इसको आपने गौर से देखना है। बेसिकली है क्या, एक डीसी एक्साइटर है विच इज माउंटेड विद इन दिस मेन सिंक्रोनस जनरेटर। तो वही बात इसने यहाँ की हुई है कि थ्री इट इज सॉरी फॉर लार्जर मशीन ब्रशलेस एक्साइटर आर यूज्ड। इट इज अ स्मॉल एसी जनरेटर विद इट्स फील्ड सर्किट ऑन द स्टेटर एंड आर्मेचर सर्किट ऑन द रोटर। थ्री फेज आउटपुट ऑफ द एक्साइटर जनरेटर इज रेक्टिफाइड टू डायरेक्ट करंट बाय थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट ऑल्सो माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। ये रेक्टिफायर सर्किट जो मैंने कहा था उसी शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, रोटर वाली के ऊपर। द फील्ड करंट ऑन द मेन मशीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द स्मॉल डीसी फील्ड करंट ऑफ द एक्साइटर जनरेटर। एक्साइटर जनरेटर के फील्ड करंट को चेंज करके हम मेन मशीन के फील्ड करंट को, जो कि रोटेटिंग पार्ट के अंदर था, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थस एडजस्टिंग द फील्ड करंट ऑफ द मेन मशीन विदाउट स्लिप रिंग्स एंड द ब्रशेस। तो द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस अरेंजमेंट स्टिल रिमेन्स देयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। वो कहता है ये लगे होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कि कहीं ब्रशलेस एक्साइटर हमारा फेल ना हो जाए, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर रहे होते। तो ये एक इसकी वो डायग्राम है जो बुक के अंदर दी हुई है। मुझे था कि एक दफा अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रोटर है, ये आपके पास स्टेटर है। अब ये आपके पास मेन वाइंडिंग है, ये मेन आर्मेचर वाइंडिंग है जो स्टेटर के ऊपर हुआ करती थी, ये आपके पास मेन फील्ड वाइंडिंग है जो रोटर के ऊपर हुआ करती थी। अब रोटर के ऊपर जो मेन फील्ड वाइंडिंग है इसको हमने सप्लाई देनी है। इसको सप्लाई देने के लिए जो हमने एक्साइटर लगाया साथ वो ये था। इसके एक्साइटर की जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे हमने लगाई हुई है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग आरएफ। और एक्साइटर का जो आर्मेचर है वो रोटर के ऊपर था, तो ये रोटर के ऊपर एक्साइटर का आर्मेचर है। ये जब फील्ड वाइंडिंग इसको फ्लक्स प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पे रोटर के ऊपर वोल्टेज जनरेट होगा इंडक्शन के फिनोमिना से। ये जो वोल्टेज है इसको हम रेक्टिफाई करेंगे बाय थ्री फेज रेक्टिफायर और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे मेन फील्ड वाइंडिंग को। अब अगर हमने इस मेन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बदलना है तो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेंज दिस वैल्यू ऑफ आर एफ। आर एफ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मतलब आई एफ जो है उसको डिक्रीज कर दिया। आई एफ को डिक्रीज किया तो यहाँ ई ए जो प्रोड्यूस हुआ वो डिक्रीज हो गया। ई ए जो प्रोड्यूस हुआ वो डिक्रीज हो गया तो वो ही रेक्टिफाई होके ई ए इधर आया था, वो ई ए भी डिक्रीज हुआ और उस ई ए की वजह से फ्लो करने वाला आई एफ जो था, ऑब्वियसली जब ई ए नीचे गिरेगा तो आई एफ भी नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर एफ जब हमने इंक्रीज किया और ये आई एफ डिक्रीज किया तो ये आई एफ भी हमने डिक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसको हमने डाउन कर लिया। तो ये हमारे पास ब्रशलेस एक्साइटर था जो इसके अंदर यूज होता है। तो दो मेन मेथड्स थे, एक ब्रश और एक ब्रशलेस। अब स्पीड ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बोला था कि जो रोटेशन है हमारी सिंक्रोनस जनरेटर की, सिंक्रोनस हम इसको क्यों बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन्स दोनों के केस में, इसकी रीजन ये है कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन है उसके साथ उसका इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी लॉक्ड होती है। जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल होगी उसकी के मुताबिक आपकी जो रोटेशन है, जो स्पीड है वो फिक्स्ड होगी। उस सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर ही वो चीज ऑपरेट करेगी, वरना वो चीज ऑपरेट नहीं करेगी। और सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कैसे कर सकते हैं वो हमें पता है, मैंने आपको कहा था 120 f/p, ये वो फॉर्मूला है। मतलब ये हुआ कि अगर हम जो जनरेट करवाना चाह रहे हैं और हमें पता होता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी जनरेशन जो है वो करवाना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जो रेगुलेशन है वो 50 Hz की है, तो अगर हम 50 Hz की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं कि हमारी जो ईएमएफ या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो 50 Hz के ऊपर हो, तो हमें ये पता लगना जरूरी है कि मैं कितनी तेजी से जनरेटर को घुमाऊंगा तो मुझे 50 Hz फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो चीज फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये 50 Hz हमारी रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि टू नंबर ऑफ पोल्स जो है वो टू है, तो जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, फॉर अ टू पोल जनरेटर द रोटर स्पीड टू प्रोड्यूस 60 and 50 Hz फ्रीक्वेंसी मस्ट बी, अगर आपने 60 Hz फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है तो सिर्फ 3600 RPM के ऊपर आप जनरेटर को घुमाओगे तो आपको 60 Hz फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और अगर आप 3000 RPM पे जनरेटर को घुमाओगे तो आपको 50 Hz फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और ये सारी चीजें डिक्टेट करने वाली चीज कौन सी है, ये सारी चीजें डिक्टेट करने वाली चीज है ये एक्सप्रेशन, जो आपको बताएगी कि सिंक्रोनस स्पीड आपके पास क्या है।
फ्रीक्वेंसी पता होगी। तो अगर आप मोटर यूज कर रहे होगे और मोटर के केस में देखना चाहोगे कि मेरी मोटर की स्पीड क्या है, तो आपको पता होगा कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई दे रहा हूँ। मैं 50 हर्ट्ज पे सप्लाई दे रहा हूँ तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। वो भी ऑब्वियसली अगर मैं 50 हर्ट्ज पे सप्लाई दे रहा हुआ और मेरे टू पोल मशीन हुई, तो मेरी मोटर 3000 RPM पे घूम रही होगी। अगर मैं 60 हर्ट्ज पे सप्लाई दे रहा हुआ और मेरी टू पोल मशीन होगी, तो मेरी वही मोटर जो सिंक्रोनस मोटर है वो 3600 RPM के ऊपर रोटेट कर रही होगी। तो बेसिकली ये चीज आपने याद रखनी है कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स हमेशा जो आपकी स्पीड, मैकेनिकल स्पीड और इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी है, ये एक लॉकडाउन के अंदर होती है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर वो चीज ऑपरेट करती है। ये जो जनरेटर है, हमें पता है कि मैंने आपको कहा कि ये जो जनरेटर है इसकी जो RPMs है वो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे अगर हम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं। और हमें पता है कि हम फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस चीज को हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो हमारी जो स्काडा सिस्टम्स हैं, जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, वो बहुत तेजी से इफेक्ट होते हैं इसकी चेंज होने के साथ। तो इसको हम इसके इसके अंदर हम चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वजह से हम गवर्नर्स यूज करते हैं। और गवर्नर्स वगैरह वो क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, 5-2 तक लेक्चर हमारा यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा। अब